hello students today we have discussed next important topic structure of heart as you know heart is the pumping organ which supply blood to the different body parts now in this lecture we study how hearts is made up of how which type of cells are found in hearts and external structure and internal structure and how मैनी चैम्बर्स आर डिवाइडेड इन हर्ट्स इस्पेशली ह्यूमन्स केस में तो लेटस स्टार्ट जो ह्यूमन्स के हर्ट हैं आपके पिंक कलर के होते हैं कॉनिकल्स होते हैं हॉलो स्ट्रक्चर होगा और पल्सटाइल होते हैं मीन्स स्पंदनशील होते हैं और यह आपके जो मेडिस्टाइनल स्पेस है फेफड़ों के बीच और डायाफ्रैग के ठीक ऊपर स्थित होते हैं इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होते हैं इनकी जो आपकी लंबाई है औसतन आपका 12 सेंटीमीटर होगा चौड़ाई इसकी देखें तो नाइन सेंटीमीटर होती है और जो मोटाई होगी इसकी आपकी सिक्स सेंटीमीटर के आसपास होती है यदि हम इसका वेट देखें तो एडल्ट ह्यूमन में जो इसका वेट होता है लगभग 300 हंड्रेड ग्राम्स के आसपास होता है हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका पार्ट थोड़ा सा वाइडर होता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज क्या बोलते हैं इस पार्ट को बेस बोलते हैं और जो बिलो पार्ट होता है वो थोड़ा सा आपका कोनिकल होता है थोड़ा सा आपका कोनिकल होता है और उसको हम बोलते हैं एपेक्स इसलिए कभी देखिए जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट जो थोड़ा सा आपका तिरछा होता है जो आपका कोनिकल पोर्शन होता, होता है थोड़ा बाएं साइड में आपका झुका होता है हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी तो सबसे पहले देखें तो जो हार्ट के ऊपर का जो लेयर रहता है उस हार्ट के ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम और यह आपकी थीन होती है इसको सेल्स की बनी होती है यह आपकी जो कवरिंग होगी यह कवरिंग आपकी ट्रांसपेरेंट होती है और यह भी आपकी सीरस पेरिकार्डियम भी इसको हम कहते हैं जो पेरिकार्डियम है पेरिकार्डियम को हम सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं पेरिकार्डियम जो होगा वह पूरा का पूरा हार्ट और जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं जो भी हार्ट से अटैच हैं उन सारे ब्लड वेसल्स हार्ट को कवर अप करता है हार्ट का जो पेरिकार्डियम है बेसिकली आप उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो इनर मोस्ट लेयर होगा उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम यह आपका डायरेक्टली हर्ट से जुड़ा होगा और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं हम पेराइटल पेरिकार्डियम और ये आपके जो टॉप लेयर होगा उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम का बेसिकली फंक्शंस क्या है तो बेसिकली यह आपका जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है प्रोटेक्ट करता है हार्ट्स के सराउंडिंग का काम करता है हार्ट्स को पूरा का पूरा कवरअप किया रहता है और जो पेरिकार्डियम है पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस पाया जाता है उस स्पेस में आपके फ्लूड्स फील्ड होते हैं जिसके कारण उसमें आपके हार्ट्स चूंकि आपका क्या होता है एक्सपेंड होता है कॉन्सेट होता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो तो इसलिए आपका फ्लूड्स होता है जो कि उस फ्रिक्शन को कम करता है अब टोटल अब हार्ट वाल की बात करें तो हार्ट वाल की अगर हम बात करेंगे तो हार्ट वाल आपका थ्री लेयर्स में बटा होता है ईपी कार्डियम मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम ईपिकार्डियम जो होता है आपका विसरल सीरस पेरिकार्डियम होता है इसमें बेसिकली मिजोथिलियम सेल होती हैं और यह आपका एक तरह से एक तरह से आपका आधार तला होता है मतलब एक तरह से आपका बेस होता है जो कि बेसिकली आपका जस्ट लाइक ए कुशंस यानी फैट की तरह जो भी बाहर से कोई भी अगर धक्का रहता है या जो भी चीज़ें हैं तो वह हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और यह आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर हुआ मायोकार्डियम यह आपका मिडिल लेयर होता है और ये बेसिकली आपके प्राइमरली कार्डियक मसल्स होते हैं इंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है थिन होता है स्मूथ होता है और इसमें आपकी स्ट्रेचेस होते हैं यानी इन्वॉल्ट्री होते हैं और एक तरह से आपका स्ट्रिएटेड मसल्स होता है जो कि हार्ट को पंपिंग करने का काम करता है मायोकार्डियम मायोकार्डियम डेट इज द मसल्स ऑफ द हर्ट मसल्स की आपकी हर्ट होती है स्ट्रांग होगी और आपकी ठीक होती है और बेसिकली आपके कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं जो कि आपके स्पॉन्टेशनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्पॉन्टेश कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यह आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जस्ट लाइक ए नर्व्स नर्व्स में जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसी तरह से जो आपके मायोकॉर्डियम की मसल्स होती हैं वह आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और यह आपका ब्लड सप्लाई करता है किसमें हर्ट की वाल यानी जो कनोरी आर्टरीज है कनोरी आर्टरीज के थ्रू जो हार्ट की पूरी वाल है उसमें आपकी ब्लड की सप्लाई करता है अब देखें जो हर्ट है हर्ट राइट right और लेफ्ट साइड में आपका सेपरेटेड होता है बाई ए सेप्टम मतलब राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट अलग होता है बीच में एक आपकी वाल होती है और जो सेप्टम होता है सेप्टम का बेसिकली रोल क्या है कि वह आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजेट ब्लड को प्रिवेंट करता है ताकि उनके बीच में मैक्सिंग मिक्सिंग ना हो और हर साइड में देखेंगे चाहे वह आपका राइट right साइड हो चाहे आपका लेफ्ट साइड हो वह आपके दो चैम्बर्स में बटे होते हैं जो अपर चैम्बर होता है जो कि ब्लड को रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं ऑट्रियम और जो लोअर चैम्बर होता है जो कि ब्लड को पम्प करता है थ्रू आउट द हर्ट हर्ट से पूरे डिफरेंट बॉडी में उसको हम बोलते हैं That, it means, जो होगा होगा का वो आपके फोर चेंबर में होंगे जिसमें आपका टू और, हो और टू आपके होंगे जो राइट पार्ट होगा उसमें आपके राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल होगा लेफ्ट पार्ट जो होगा आपका उसमें लेफ्ट ऑट्रियम और, और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स होंगे जो ऑट्रिया है ये आपका अपर चैम्बर होगा लेफ्ट और राइट और इनके बीच में भी एक सेप्टम होगा जो कि इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होगा जिससे ये दोनों आपके आपस में सिपरेट होते हैं वेंट्रिकल जो होगा आपका लोअर चैम्बर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इनके बीच में जो भी आपका एक सेप्टम्स होगा और सेप्टम्स के द्वारा भी ये भी आपके अलग होते हैं मतलब इन दोनों का आपस में मिक्सिंग नहीं होता ये आपके अलग होते हैं ताकि आसानी से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो और वह आपस में मिक्स ना करें अब यहाँ पर देखिए स्लाइड्स में ये आपके डिफरेंट चैम्बर्स दिखाए गए हैं कि इस चैम्बर में कैसे ब्लड आता है और कैसे आपका ब्लड डिफरेंट बॉडी में जाता है तो आप देखिए जो राइट right पार्ट है वो आपका ब्लू कलर का है डेड वह हाँ आपका डी ब्लड इंडिकेट कर रहा है जो लेफ़्ट पार्ट है वो आपका रेड कलर जो है वो आपका वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके ब्लड हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वो आपके सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आपके राइट right ऑर्ट्रियम में इंटर करेंगे देन यहाँ पर जो हर्ट की मसल है वो आपकी आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रेट करेगा तो ये जो बीच में एक वाल्व होती है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और ये ट्राइकस्पिड वाल्व आपकी ओपन होती है तो जो भी आपके ब्लड्स होते हैं वो ब्लड आपके राइट वेंडिकल्स में आते हैं फिर राइट वेंडिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर आपका पलमोनरी ऑर्ट्री के थ्रू ये ब्लड्स आपके लंग में चले जाते हैं लंग्स में जाते हैं लंग्स में जाने पर वहाँ पर आपका डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर वो आपका जो डी ब्लड है वह डिऑक्सीजेंट ब्लड आपकी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है और फिर वह आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर वो आपका लेफ्ट विकल में जाता है और ओटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है तो इस तरह से आपके ब्लड्स की डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होती है नाउ जो आपकी वाल्व्स है बेसिकली जो वाल्व्स होगी वो आपकी आट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है और यह आपस में कनेक्टेड होते हैं हर्ट से एक टफ टेंडन से यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में जो आपके दोनों वाल्व्स हैं जो भी आपके वाल्व्स हैं वो आपके वाल्व्स आपस में जुड़े हुए हैं टेंडन से जो टेंडेंस होता है वो आपका अलाउ करता है वाल्वस को क्लोज करे एंड होल्ड अ वाल्व्स फ्लैप इन प्लेस वाल्व्स को क्लोज करे और फ्लैप करे एक तरह से वो आपका प्रिवेंट करता है वाल्व्स को फ्रॉम फ्लिपिंग अप एंड टर्निंग इन साइड आउट फ्लिपिंग अप से या मुड़ ना जाए इसके लिए आपको वो आपका जो टेंडेंस होता है वो आपके वाल्व्स को प्रिवेंट करता है इन दिस स्लाइड्स में आप देखें दो डायग्राम में एक आपका वाल्व ओपन दिखाया गया है और एक में आपका वाल्व क्लोज दिखाया गया है वाल्व्स को हम कह सकते हैं जस्ट वह आपका एक तरह से डोर की तरह काम करता है जिसमें डोर देखते हैं आपका केवल आपका एक ही डायरेक्शन में आपका ओपन होता है तो यदि अगर हम डोर को हेल्ड कर दें किसी फिक्स्ड पॉइंट से तो केवल आपका आर्म मूव्स करता है जिससे डोर आपका ओपन होता है और आपका क्लोज होता है व्हेन द डोर इज क्लोज तो आर्म जो होगा आपका फुल्ली एक्सटेंडेड होगा सो द डोर कैन ओनली बी ओपन इन वन डायरेक्शन इसलिए जो दरवाज़ा होता है वो आपका केवल एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है तो वाल्व्स भी जो होता है वाल्व्स भी एक्ट लाइक ए डोर वह भी आपका डोर की तरह काम करता है और वह भी आपका एक ही डायरेक्शन में आपका ओपन होता है हार्ट में जो टेंडन्स होते हैं वह आपके वाल्व्स को होल्ड करते हैं लाइक द आर्म जिस तरह से आपका आर्म जो होता है डोर को होल्ड करता है उसी तरह से जो टेंडन्स होते हैं वह टेंडन्स आपके वाल्वस को होल्ड किए रहते हैं वन इंड ऑफ ईच टेंडन इज फिक्स्ड जो टेंडन का एक इंड होगा वो आपका फिक्स होगा किससे वाल ऑफ द हर्ट से हर्ट की वाल से फिक्स होगा इसलिए जो वाल्वस आपके ओपन होंगे केवल आपके एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं यह आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर था हर्ट का थैंक यू इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ ब्लड्स मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थैंक यू